प्यार को सबसे खूबसूरत एहसास माना जाता है, लेकिन जब प्यार हैवानियत का रूप लेता है तब यही प्यार सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देता है। ऐसा ही एक मामला बिहार के लखीसराय में देखने को मिला। यहाँ छठ घाट से लौट रहे एक परिवार पर एक सनकी प्रेमी ने अंधाधुंध गोलियां की बारिश कर दी, जिससे परिवार के 6 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। यहाँ बेखौफ बदमाशों ने कबैया थाना क्षेत्र के पंजाबी मोहल्ले में अंधाधुंध फायरिंग करके 6 लोगों को मार डाला। देखिए रिपोर्ट। कोई एक तरफा प्यार में हीरो बन जाता है तो कोई जुर्म की दुनिया का बादशाह। आज का समय ऐसा हो गया है जब किसी को भी रिजेक्शन पसंद नहीं है। इंसान जो चाहता है उसे हर हाल में हासिल करना ही चाहता है, चाहे इसके लिए वह खुद उपयुक्त हो या ना हो। एक ऐसा ही मामला बिहार से सुर्खियों में बना हुआ है, जहां पर एक तरफा प्यार में पागल आशिक ने 6 लोगों की जान ले ली। दरअसल बिहार के लखीसराय में छठ घाट से लौट रहे एक परिवार के सदस्यों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों को गोली लग गई। इनमें से 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला कबैया थाना क्षेत्र के पंजाबी मोहल्ले का है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना कबैया थाना क्षेत्र के पंजाबी मोहल्ला के वार्ड क्रमांक 20 की है। 20 नवंबर की सुबह परिवार के सभी सदस्य छठ घाट पर अर्घ देकर अपने घर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान उनके घर के पास ही उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई। इस हादसे में 2 सगे भाइयों और बहन समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। घायलों में दोनों मृतकों की पत्नी और पिता शामिल है। वहीं जानकारी के मुताबिक ये प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। घटना कबैया थाना क्षेत्र के पंजाबी मोहल्ले की है। लखीसराय एसपी पंकज कुमार ने बताया कि आरोपी परिवार के पड़ोस में ही रहता है, उसका नाम आशीष चौधरी है। लगभग 10 दिन पहले हमलावर का इस परिवार के साथ विवाद हुआ था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। एसपी ने कहा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज़।